गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे, तो आप अपने किताब को अपने पास ही रखिए और उसे खुलिए। पेज नंबर है 52। आप अपने किताब में पेज नंबर 52 ओपन कीजिए। देखिए, इस पाठ का नाम है गधाओं का बाप, मतलब गाधार बाप, गाधार बाबा। एटी एक्टी हासिर गल्प। चलिए, एक बार गधाओं ने विधाता के पास जाकर पूछा कि उनका बाप कौन है। एक बार गाधारा विधातार काछे गिये जिज्ञासा करेछिलो जे तादेर बाबा के। विधाता तो सबके पिता है, विधाता तो सकलेरी पिता, लेकिन किंतु उन्होंने अपने आप को गाधाओं का भी बाप बनने में शर्म महसूस की, किंतु उनियो निजे के गाधार बाबा बोलते लज्जा बोध करलें, इसलिए वो सोच में पड़ गए। एई जोन्नो तिनी चिंताय पड़े गेलें। इदने में नारद जी आ गए। एई समय नारद जी एलें। नारद जी ने विधाता से उनकी चिंता का कारण पूछा। नारद जी विधाता के तार चिंतार कारण जिज्ञासा करलें। विधाता ने सब कुछ बता दिया। विधाता नारद जी के समस्त किछु बोले दिलें। नारद जी बोलें, मैं धरती पर जाता हूँ, गाधाओं के बाप का पता लग जाएगा। आमी पृथ्वीते जाच्छी, धरती मतलब पृथ्वी, आमी पृथ्वीते जाच्छी, गाधार बाबा के ता जेने आसबो। नारद जी धरती पर आए और जहाँ जहाँ धोबी मिले उनसे पूछने लगे कि गधाओं के बाप कौन है। नारद जी पृथ्वीते एलें एवं जेखाने जेखाने धोबी मतलब धोपा के देखते पेलें तादेर सकल के जिज्ञासा करलें गाधार बाबा के। एक धोबी अपने आप को गधाओं के बाप कहने ही जा रहा था कि धोबी ने उसे छिड़किया दी। एक धोपा निजे के गाधार बाबा बोलते गेले धोबिन मतलब धोपानी अर्थात धोपार बो ताके गालमंद करलें। धोबिन ने कहा, धोपानी बोललो, अरे नारद जी जो बिना विचारो काम करे ओही गाधाओं का बाप है, जे बिना विचारे काज करे सेई गाधार बाबा। अब आप समझ लीजिए कौन गाधाओं का बाप है सकता है। आप समझ लीजिए कौन गाधाओं का बाप हो सकता है। एबार आमनी बुझे नीन कि गाधार बाबा। नारद जी उल्टे पाव लट गए। नारद जी उल्टो दिखे चलते शुरू करलें। विधाता के पास जाकर नारद जी सर झुकाकर खड़े हो गए। विधाता सामने गिए नारद जी माथा नीचू करे दाड़िये रोइलें। विधाता मुचकी हेसे जिज्ञासा करलें, क्या नारद जी, गाधाओं के बाप का कुछ पता चला? विधाता हेसे जिज्ञासा करलें, कि नारद जी, गाधार बाबा के सेटा की जानते पारलें? नारद जी ने शर्माते हुए धोबिन की बात दौड़ाई। नारद जी लज्जा पे धोपानीर कथागुलो बोललो। लज्जा सहकारे धोपानीर समस्त कथा नारद जी की करलो, विधाता के बोललो। इस पर विधाता जी हंस पड़े और कहने लगे। एरपर विधाता हंसलें एवं बोललें, आज के लिए शायद आप ही गधाओं के बाप निकले। आज थेके ताहोले आपनी गाधार बाबा होलेन। पेरोना, बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए, ना बुझे शुने कोनो काज करा उचित ना। ताहोले ए गल्पोटा देखे आम्रा की बुझते पारलाम, गल्पोटा पढ़े आम्रा एटाई जानते पारलाम जे विधाता तो निजेई गाधार बाबा छिलेन, ताओ तिनी निजेके गाधार बाबा बोलते लज्जाबोध करछिलेन, किन्तु नारद जी
তিনিও জানেন বিধাতাই সকলের পিতা, তাও তিনি না বুঝে শুনেই বললেন আমি পৃথিবীতে যাচ্ছি, গিয়ে গাধার বাবাকে জেনে আসব। তাহলে তিনি না বুঝে শুনে কাজ করলেন এবং সেই কাজটা করার ফলে কি হলো, তিনি গাধার বাবা রূপে পরিচিত হলো। তাই এখানে আমাদের বলেছে বিনা সচে সমঝে কোই কাম নাহি করনা চাহিয়ে, না বুঝে শুনে কোনো কাজ করাই উচিত না। তো স্টুডেন্ট আপ ইসে আচ্ছে সে পড়িয়েগা, টেক কেয়ার এন্ড গুড বাই।